आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाते देता हूँ, ये मल्टीमीटर है जैसे कि हम एम्पीयर और वोल्ट चेक कर सकते हैं। और ये मेरा सोलर प्लेट हो गया जो कि हम सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये मेरा सोलर प्लेट है और हम आज इस सोलर का एम्पीयर चेक करेंगे, जो कि तीन सोलर प्लेट है, अलग अलग सोलर प्लेट है। मैं आपको तीनों का मॉडल नंबर बता देता हूँ और कितना वाट का वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये दोनों बता देता हूँ कि ये दो मेरा जो है मोनो पैनल है, जो कि इसका सेल्स ब्लैक दिख रहा होगा आपको, और वो मेरा ब्लू सेल्स जो है वो पॉली पैनल है। तो मोनो और पॉली पैनल में फ़र्क बस यही रहता है कि मोनो पैनल ज़्यादा एम्पीयर तक देता है, जैसे 290 वाट का है, और पॉली पैनल भी 290 वाट का है, तो मोनो पैनल ज़्यादा एम्पीयर देगा क्योंकि इसका सेल्स ब्लैक होता है, तो इसका धूप ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इस हिसाब से ज़्यादा एम्पीयर तक देता है। और ये थोड़ा सा इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है, 2-3 हज़ार। तो ये मेरा जैसे जून सोलर का है दोनों मोनो पैनल, तो ये है 180 वाट का, जिसमें कि 32 सेल्स आते हैं और वो इसमें 36 सेल्स आते हैं, वो 200 वाट का है। और ये हो गया मेरा पीवी पावर टेक का पॉली पैनल, जो कि 290 वाट का है। मैं आपको पीछे से भी इसका ब्रांडिंग दिखा देता हूँ। अभी ये मेरा पूरा कनेक्ट है MC4 कनेक्टर के साथ। और ये मेरा देखिए जून सोलर का, यहाँ भी ब्रांडिंग जून सोलर का, और इस पर भी जून सोलर का है। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो वाइट लाइनिंग है, ये सेल्स बीच में बटे हुए हैं, और ये यहाँ का वाइट लाइन हो, और इसमें थोड़ा तार दिख रहा होगा, ये सब जो दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये इसका वायर। अभी मैं आपको एम्पीयर चेक करा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में आपको इन्वर्टर भी दिखा देता हूँ अपना, मेरा कौन सा इन्वर्टर है और कैसे मैं सेटअप किया वो भी दिखा दूँगा। तो इसको मैं एम्पीयर पे चेक डाल देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर देखे। और इसको हम खोल लेते हैं, जो कि मेरा बैटरी से वायर आया है, जो कि ये DC वायर है, पूरा टोटल DC वायर ही यूज हुआ है इन्वर्टर तक जो गया है, ताकि मेरा एम्पीयर लॉस ना हो। AC वायर में एम्पीयर लॉस होने का डर रहता है। तो ये देखिए मेरा 9.7876, ये 9.73 आगे पीछे होते रहता है, 70 कभी 68, यानी कि लगभग 10 एम्पीयर तक ये अभी तीनों सोलर प्लेट मिलके दे रहा है। तो इसका वायर बहुत गर्म हो चुका है, ये देखिए, आपको दिख तो नहीं रहा होगा, मैं फील कर रहा हूँ, इसको छू रहा हूँ तो पूरा गर्म हो गया। मैं एम्पीयर कुछ ज़्यादा ही टेस्ट कर लिया, करीब 40-50 सेकंड तक का मैं एम्पीयर टेस्ट कर लिए। इतना देर तक एम्पीयर टेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें अभी शॉर्ट सर्किट का आवाज़ भी आया, पता नहीं कुछ ख़राब हुआ कि नहीं। एम्पीयर इतना हार्ड आता है कि छोटा सा मल्टीमीटर को डैमेज कर सकता है। और ये देखिए वायर पूरा मेरा पूरा गर्म हो चुका है, ये अब धीरे धीरे ठंडा हो गया, देखते हैं फिर से मेरा मल्टीमीटर ठीक है कि खराब हो चुका है, क्योंकि मैं अभी कुछ आवाज़ आया इसके अंदर से। यहाँ मैं इसको टच कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, शायद इस वर्ड में। हाँ, ये देखिए 9.52। अब मैं खोल लेता हूँ इसको, अभी यहाँ देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ। एम्पीयर ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए आप, मेरा वायर पूरा मेल्ट हो चुका है इसके साथ, यानी कि ये पूरा गर्म हो गया था, अभी भी गर्म है, ये पूरा पिघल गया इसके साथ। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ वापस से, और इस पर डस्ट है, तो मैं डस्ट को भी साफ कर देता हूँ, ताकि एम्पीयर जो भी थोड़ा सा लॉस हो रहा होगा वो एम्पीयर लॉस ना हो, अच्छे से इस पर धूप पड़े और अच्छे से एम्पीयर और बनाए। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ पहले। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छे पानी से अच्छे से साफ कर लिया हूँ, पानी से पूरा इसको वॉश कर लिया हूँ, तो इस पर जितना भी डस्ट था सब क्लीन हो गया है, अभी और भी अच्छे से एम्पीयर देगा, क्योंकि डस्ट नहीं है तो धूप अच्छे से प्रॉपर पड़ेगा, जो भी एम्पीयर लॉस हो रहा था वो अभी लॉस नहीं होगा। ये देखिए पानी अभी तक गिर रहा है, इसको पूरा पानी से दोनों तीनों पैनल को मैं साफ कर दिया हूँ, और ये पानी से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि अभी पानी इसमें मैं डाल दिया हूँ,
और एम्पियर मेरा उतना ही आ रहा होगा, यानी कि इस पर धूप पड़ रहा है और इस पर पानी भी डाल दो आप तो एम्पियर कोई लॉस नहीं होगा, एम्पियर उतना ही देगा। तो मैं आपको नीचे अभी मल्टीमीटर में जाके दिखा देता हूँ कितना एम्पियर मेरा दे रहा है। मैं आपको अभी डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, मल्टीमीटर में तो आपको यही दिखा दिया, अब मैं आपको डिस्प्ले में जाके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 9 बजने में अभी कुछ मिनट लेट है और ये मेरा सोलर सिस्टम हो गया, ये मेरा एल्यूमिनियस का NXE 1400 सोलर इन्वर्टर हो गया जो कि PWM टेक्नोलॉजी है, इसी से मेरा पूरा घर का लोड चलता है। 950 वाट तक ये जनरेट करता है, यानी कि 950 वाट तक कोई भी सामान इस पर चला सकते हैं। और ये एल्यूमिनियस का 200 AH बैटरी हो गया और ये मेरा स्मार्ट एन का सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि MPPT टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छा काम करता है ये। और ये मेरा मेंस हो गया जो कि अभी ऑफ है, जब ये सूरज का रोशनी नहीं पड़ता है तब बैटरी डाउन होने पे मैं ऑन करता हूँ मेंस को, वरना हमेशा ऑफ रखता हूँ। ये देखिए फैन भी चल रहा है, और ये अभी सोलर कितना आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए 8.6 एम्पियर आ रहा है सोलर से और 35 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा था और ये 19 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, यानी कि लगभग 19 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है अभी मेरा 200 AH बैटरी जो है वो सुबह के 9 बजे लगभग, 9 बजा भी नहीं। और ये मेरा फुल सेटअप हो गया और ये जो मेरा 200 AH बैटरी है ये रात भर मेरा अच्छे सप्लाई दे देता है। और ये मेरा जो इन्वर्टर है इस पर बहुत सारा मैं अपना आयरन मोटर भी लोड चला के देखे आऊँ और अच्छे से चल पाया, यानी कि आप कोई लाइट यदि लाइट ना आए तो तब भी आप चला सकते हो, ये इमरजेंसी में मोटर और आयरन भी यूज़ हो सकता है। और आपको ये मेरा सेटअप पसंद आया होगा और जो आज का एम्पियर आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को नए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सोलर से रिलेटेड लेके तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए।